प्रश्न संख्या 81 श्री कल्याण बनर्जी सर, क्वेश्चन नंबर 81 अच्छा विजय हुआ इसी वक्त उत्तर सभा पटल पर रखा गया वो शून्यकाल में सर क्वेश्चन नंबर 81 आपको बुलाएंगे शून्यकाल में, आपका इलाका इसलिए आपको प्राथमिकता देंगे। सर क्वेश्चन नंबर 81 सर, द ऑनरेबल स्पीकर सर, द application of artificial intelligence AI in India is having an impact of unemployment in various ways. Sir, according to the all available reports, in the near future it is a very serious concern, as about nearly 69% of the people in the country will lose employment during the tenure of this government. Sir, in the job displacement arenas are, lot of arenas are there. Importantly, that AI power automation may replace jobs in sectors like manufacturing, customer service, and data entry. The AI-driven efficiency improvements might lead to reduced workforce requirement in certain industries. AI might make some jobs redundant, especially those involving repetitive or routine tasks. My question is, through you sir, before the honorable minister, माननीय सदस्य जेब में हाथ डाल के नहीं, before the honorable minister, is that whether the central government is having a plan to address the problem which is going to be faced, nearly 69 million people will be displaced, and what is the planning of the central government to address that question itself, that address to that question. In addition to that, I have a request to you, sir. This is such a burning issue. At least, kindly allow a discussion under Rule 55 of this issue. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न एक prediction पर आधारित है। जब 2016 में वर्ल्ड बैंक की एक टीम ने कहा कि ऑटोमाइजेशन से 10 साल में भारत में 69%, चाइना में 77% और इजिप्ट में 85% जॉब जाएगी, इथोपिया में 85% जॉब जाएगी। माननीय स्पीकर सर, ये अनुमान वर्ल्ड बैंक ने लगाया, वास्तविकता और अनुमान 10 साल के बाद, और जब देश में इंटरनेट आया तब ऐसी बात होती थी कि देश में जॉब जाएगी, दुनिया में जॉब जाएगी, इंटरनेट आया जॉब भी नहीं गई, कई जॉब क्रिएट हुई। समय समय पर कोई अनुमान के आधार पर कोई बात करते उसकी इफेक्ट यहाँ आ जाएगी, और देश में जब देश में मोबाइल आया तब बात होती थी, कंप्यूटर आया तब बात होती थी कि देश में लोगों की नौकरी जाएगी, जॉब कम होगा। मैं माननीय स्पीकर सर आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्या मोबाइल आया और मोबाइल से बातचीत हो जाती है, मेल से बातचीत हो जाती है? आप तो रेलवे में कभी ट्रैफिक कम हुई क्या? इतना कम्युनिकेशन बढ़ा तो एयर ट्रिप में या तो एयरपोर्ट पर कभी भीड़ कम हुई क्या? ये अनुमान है। और जब मैं कोविड देख रहा था, हेल्थ में था उस वक्त, मैं दुनिया के साथ बात कर रहा था और दुनिया में कोविड चल रहा था, तो दुनिया अनुमान लगाती थी कि हिंदुस्तान में जितना मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का काउंट, मृत्यु का आंक काउंट होगा। मैं स्पीकर सर आपको बताना चाहता हूँ, मुझे खुशी है पोस्ट कोविड पर मिलियन पॉपुलेशन पर इंडिया में सबसे कम मृत्यु हुआ है, ये सत्य है। इसलिए मैं आपका जवाब देता हूँ कल्याण जी, इसलिए ये अनुमान है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने ये सत्य आपके सामने दिख रहा है कि इंडियन इकोनॉमी 6-7% ग्रो कर रही है। जब कोई देश की इकोनॉमी 7-8% ग्रो करती है तो स्वाभाविक तब ग्रो करती है जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, सर्विस सेक्टर बढ़ता है, जब परचेज पावर बढ़ता है, तो ये सब होता है तो ऑटोमेटिक रोजगार का अवसर भी बढ़ता है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी आप नेशनल सर्विस सेंटर पोर्टल पर जाइए, 19 लाख जॉब आज भी 30 लाख जॉब दाता ने
कंपनियों ने रख के रखी है कि आइए यहाँ अप्लाई करिए। ये पोर्टल की बात कर रहा हूं, आप देख सकते हो, यहां से बाहर जाके तुरंत ही देखेंगे। आपके परिवार में भी किसी को जॉब चाहिए और उसकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ क्वालिफिकेशन होगा तो उसको भी जॉब मिलेगा। ये देश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है।